कि सर टूर ऑफ ड्यूटी को अच्छे से समझा दीजिए। तो चलिए समझते हम लोग टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। तो समझते हम लोग टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में डिटेल से। आप अगर ध्यान से समझेंगे तो आर्मी में जाने के कई रास्ते हैं। इंडिया में अगर देखिएगा तो ये तीन रास्ते हैं। अभी इंडिया में एक दौर है परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन उसे कहा जाता है जिसमें आपको पूरी जिंदगी आर्मी के साथ पूरी लाइफ गुजारनी होती है। लाइफ कहने का मतलब ये नहीं है कि आपकी मतलब आपको पूरी जिंदगी आर्मी में नहीं रहना। अगर आप जवान हैं तो आपकी उम्र 38 से 40 साल होगी तो आपको रिटायर कर दिया जाएगा। ऑफिसर है तो 54-55 पे रिटायर कर दिया जाता है। कर्नल से ऊपर रैंक के हैं तो 60 साल पे रिटायर किया जाता है। तो ऑन एन एवरेज ये परमानेंट में आते हैं। इसके अलावा एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। इसमें आपको 10 से 15 साल ड्यूटी करनी होती है। जब तक ड्यूटी करिएगा तब तक आपको सैलरी वगैरह सब कुछ मिलते रहेंगे। 15 साल बाद रिटायर कर दिया जाता है। अब रिटायरमेंट के बाद इन लोगों को पेंशन भी दिया जाता है। अब आर्मी जो नया प्लान कर रही है वो टूर ऑफ ड्यूटी ये 3 साल के लिए होगा। अभी इस पर कोई ऑफिशियल बात नहीं हुई है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, लेकिन हमारे जो CDS है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उन्होंने इस ओर इशारा किया था कि टूर ऑफ ड्यूटी का प्लान चल रहा है। तो ये 3 साल के लिए आर्मी में आना होगा। अभी हम इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। आने के लिए इसमें VIP लोग को शामिल कर दिया जाता है। अब मेन जो है वो हमारी बात चल रही है किस पर, टूर ऑफ